और अमेठी में बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का घर बनकर तैयार है, आज गृह प्रवेश। स्मृति ईरानी का नया घर गौरीगंज से करीब 3 किलोमीटर दूर मैदन मवई गांव में बना है। घर में 6 कमरों के साथ सर्वेंट रूम और गेस्ट रूम भी है। मीडिया से बात करने के लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बनाया गया है। 2021 में स्मृति ईरानी के नए घर की बुनियाद रखी गई थी, जो अब बनकर पूरी तरह से तैयार है। स्मृति ईरानी आज अपने नए घर में प्रवेश करेंगी। गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हजारों लोगों को निमंत्रण पत्र बांटा गया है। स्मृति ईरानी का आवास बन जाने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इस इलाके का अब और तेजी से विकास होगा। हरियाणा में आज कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर मनोहर लाल खट्टर सरकार की परीक्षा है। सभी दलों ने विधायकों को विधानसभा में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया। हरियाणा में मनोहर लाल सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर आज बहस के बाद वोटिंग होगी। कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी सहित सभी दलों ने अपने विधायकों को विधानसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। हरियाणा की विधानसभा में कुल 90 विधायक हैं, जिनमें से 41 बीजेपी विधायक और सहयोगी दल जेजेपी के 10 विधायक हैं। सदन में 7 निर्दलीय विधायकों में 6 बीजेपी का समर्थन करते हैं। बीजेपी को हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा का समर्थन भी हासिल है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के 30 विधायक हैं, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल का 1 विधायक है। और कांग्रेस नेता अजय माकन इनकम टैक्स विवाद को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माकन ने टैक्स वसूली को अलोकतांत्रिक करार दिया है। पार्टी कांग्रेस ने इनकम टैक्स से चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया कि जिस तरह से इनकम टैक्स ने मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस के खातों से 65 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की बात कही, वो अलोकतांत्रिक है। इनकम टैक्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस और NSUI के खातों से 65 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर करने के आदेश दिए, जिसमें से IYC और NSUI के खातों से 5 करोड़ और INC के खाते से 60 करोड़ 25 लाख निकाले गए। बीजेपी सरकार का ये कदम चिंताजनक है। कांग्रेस ने वसूली के खिलाफ इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज कराई है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज ओडिशा दौरा है, क्या कार्यक्रम है देखते हैं इस रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले आज ओडिशा का एक दिन का दौरा करेंगे। ओडिशा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल के मुताबिक राजनाथ सिंह नवरंगपुर में सुबह 11 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद रक्षा मंत्री जगदलपुर हवाई अड्डे से बरहामपुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे बरहामपुर में कार्यकारी सदस्यों की बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद करीब 3 बजे राजनाथ सिंह मयूरभंज के लिए रवाना होंगे, जहां करीब 4 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे।